गाइज, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि आप खुद का फ़ोटो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो कॉलर स्क्रीन पे कैसे सेट कर सकते हो। इसके लिए गाइज, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा और एंड तक देखना होगा, तभी जाके आप कॉलर स्क्रीन पे खुद का फ़ोटो या अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो सेट कर सकते हो। गाइज, टेक ऑन ट्यूब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साइड में जो घंटी मिलेगा उसे भी ऑन कर दें, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और ऐसे वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। इसके बाद नीचे आना और ऐड ए पब्लिक कमेंट में आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। जैसा कि गाइज आप देख सकते हो, मेरे कॉलर स्क्रीन पे अभी ये फ्लावर सेट है। मैं यहाँ पे कोई फ़ोटो को सेट करके दिखाऊंगी, ऐसे आप भी अपने कॉलर स्क्रीन पे अपना फ़ोटो सेट कर सकते हो। गाइज, सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से जाके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। फर्स्ट बार जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ परमिशन मांगेगा, जिसे दे देना है। इसके बाद आपको सेटिंग का यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सेटिंग पे क्लिक करना। यहाँ पे इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, यहाँ पे 5 फीचर मिल जाएंगे। चाहो तो आप इसमें भी चेंजिंग ला सकते हो, चेंज कर सकते हो और अपने मोबाइल पे कुछ अलग ही सेट कर सकते हो। अब मैं आपको फ़ोटो सेट करके दिखाती हूँ। आपको बैक आ जाना है और स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे चेंज बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। नीचे साइड चूज फ्रॉम गैलरी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट अपनी गैलरी में इन कर जाओगे, और यहाँ गैलरी से आप कोई भी फ़ोटो को सेलेक्ट करके अपने कॉलर स्क्रीन पे सेट कर सकते हो। जैसे मैं ये फ़ोटो को सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर कुछ ऐड आएगा जिसे कट कर देना है। मैंने ऐड को कट कर दी और इस फोटो को सेलेक्ट कर दी। ऊपर में एक डन का ऑप्शन मिलेगा, आपको डन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन पे क्लिक करोगे, फिर से एक ऐड आएगा, उसे कट कर देना है। इतना सेटिंग करते ही आपकी कॉलर स्क्रीन पे आपने जो फ़ोटो सेलेक्ट की है वो फ़ोटो सेट हो जाएगा। गाइज, मैंने अभी जो फ़ोटो सेट की थी वो फ़ोटो सेट हो चुका है, क्योंकि मैंने अभी दूसरे नंबर से कॉल कर दी हूँ और कॉलर स्क्रीन पे मेरा वो फ़ोटो सेट हो चुका है जो मैंने अभी फ़ोटो को सेट की थी। गाइज, थोड़ी सी सेटिंग करके आप भी अपने कॉलर स्क्रीन पे खुद का फ़ोटो सेट कर सकते हो। गाइज, इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। साइड में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दो। थैंक यू गाइज।